हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बिरयानी मार्केट वाले मसाले से बनाएंगे, तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले चावल बॉईल करेंगे। इसमें पानी लेंगे, पानी में दो तेज़पत्ते डालेंगे, दो बड़ी इलायची, दालचीनी, चार पांच लौंग और सात आठ काली मिर्च डालेंगे और इस पानी में डालेंगे नमक। पानी को गर्म होने देंगे। मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए हैं, इसको मैंने दो घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, तो ये मेरे भीगे हुए चावल हैं। हम चावल को पानी में डाल देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। हमें पानी में नमक पानी के हिसाब से डालना है, चावल के हिसाब से नहीं डालना है। अगर आप पानी को टेस्ट करें तो पानी में नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए, तो हमें इसी तरह का नमक रखना है। और हम इन चावलों को बॉयल करेंगे। अब हम एक पैन में 5 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसमें करीब एक प्याज काट कर डाल देंगे। हमें इस प्याज को ब्राउन करना है, तो यहाँ पर हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे और आधी प्याज इसी में छोड़ देंगे। अब हम इसमें दो तेज़पत्ता डालेंगे, एक फूल चकरी, दो काली इलायची, चार पांच लौंग और 8-10 काली मिर्च। अब हम इसमें 300 ग्राम चिकन डालेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो हम इसमें एक टमाटर काट कर डालेंगे और इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्च और इनको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अगर आपको बिरयानी में ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च ना डालें। अब हम इसमें एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और ये हमने शान का बिरयानी मसाला लिया है, तो हम इसमें से आधा बिरयानी मसाला इसी में डाल देंगे, क्योंकि ये पैकेट एक किलो बिरयानी के लिए होता है। हम आधा किलो बिरयानी बना रहे हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें आपको नमक या और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिरयानी मसाला में सब कुछ मौजूद है। हमें इसको चलाते हुए अच्छी तरह भूनना है। देखिए, इसमें ऊपर तेल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें करीब 100 ग्राम दही डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर भून लेंगे। हमें चिकन को बिल्कुल खुश्क होने तक भूनना है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च का अचार ऐड करेंगे। हरी मिर्च का अचार डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर हमारा चिकन भी करीब करीब भुन गया है। हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावल देखेंगे। चावल भी हमारे बॉयल हो गए हैं। हम इनको छान लेंगे और अलग रख देंगे। अब हम जो ये हमारी बोटियाँ हैं, इनको हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी लेयरिंग करेंगे। ऐसा करने से बोटियाँ हमारी नीचे से जलेंगी नहीं। तो ये जो मसाला है, इसके ऊपर हम एक चावल की लेयर लगा देंगे। चावल के ऊपर हम थोड़ी सी भुनी हुई प्याज डालेंगे जो हमने निकाल कर रखी थी। उसके ऊपर हम बोटियाँ डाल देंगे और इसके ऊपर फिर एक चावल की लेयर लगा देंगे। अगर आप इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चावल की लेयर लगाने के बाद इस पे हम भुनी हुई प्याज डालेंगे। पानी में थोड़ा सा रंग घोल कर बीच बीच में डाल देंगे और 2-3 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे। केवड़ा वाटर डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और इसमें हम 2-3 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसके ऊपर हम एक कपड़ा लगाएंगे और उसका ढक्कन बंद कर देंगे और ऊपर से कोई वेट रख देंगे और इसको करीब आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर दमाने के लिए छोड़ देंगे। मिनट बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए, हमारी कितनी अच्छी खिली खिली बिरयानी बनकर तैयार है। देखिए इसका कितना अच्छा रंग आया है। तो अगर आप भी ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप बिरयानी के मसाले की रेसिपी भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। मैं वो रेसिपी भी आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी।